अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हो, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। तो आज मैं अभी इस टाइम अपने बैकयार्ड में हूँ और मैं देख रहा था, जब मैं पाकिस्तान गया था तो यहाँ पे देखिए इतना तो बड़ा पुदीना था यहाँ पे मेन। जो कि ख़त्म हो चुका है लेकिन उस तरफ अभी देखिए है, और लेकिन इसका सीज़न अभी ऑफ होने वाला ही है। ये देखिए पौधे जो हैं वो जैसे जल रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। ये देखिए ये बीज मान रहे हैं अब पुदीने के, ये देखिए मतलब पक गई है, ये फसल पक गई है हमारी ये वाली। और गुलाब देखिए, और अभी विंटर स्टार्ट होने वाला है तो गुलाबों का भी हाल बुरा हो गया, तो अभी यहाँ पे कुछ दिनों तक बर्फ़ स्टार्ट हो जाएगी। तो बाकी आपको पता है अल्लाह ताला ने कायनात को बहुत ही खूबसूरती से तहलीक किया है। अल्लाह ताला ने कायनात में ऐसे ऐसे शाहकार पैदा किए कि मैं रिसेंटली जैसे पाकिस्तान गया था, मैं नॉर्दर्न एरियाज जो पाकिस्तान का बहुत ही खूबसूरत है, तो वहाँ पे गया नारायण का काम देख के आया हूँ, मतलब ऐसा लगता था कि वो दुनिया ही और है, इतना खूबसूरत अल्लाह ताला ने हर चीज़ को तहलीक किया है। तो मैं वैसे भी नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अभी इधर पास ही एक झील है, लोफस झील और लेक, तो साथ उसका पार्क है, उधर जाते हैं, वो देखते हैं, इंजॉय करते हैं, तो चलते हैं मेरे साथ। बैकयार्ड का दरवाजा ये वाला, और फ्रंट डोर में से पेट्रोल। जब से मैं आया हूँ पाकिस्तान से पहली दफा पेट्रोल दे रहा, काफी महंगा हो गया यार। जी गाइस, गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दी है, अब चलते हैं लेक पे, और लेक साथ ही वो पार्क है वो देखते हैं, वहाँ पे एंजॉय करते हैं। तो ये है गाइस, ये देखिए लेक, बहुत ही खूबसूरत लेक है, और इसके इर्द गिर्द जो बनाए गए हैं ये देखिए, बैठने के लिए या दरख्त लगाए गए, ट्रीज लगाए गए, कितने खूबसूरत नज़ारा है इसके लिए। और ये मेरे पास ही इस वक्त बीस, बहुत ही खूबसूरत झील है, बहुत ही प्यारी झील है ये।
ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है झील। और इस वक्त ख़ास तौर पे ये जो टाइम है, इस वक्त जो ऊपर बादल छाए हुए हैं, जो रिफ्लेक्ट हो गए पानी में उसका साया, वो बहुत ही कमाल का लग रहा है। ये देखिए एप्पल ट्री, स्मॉल एप्पल ट्री, वो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और नीचे देखिए कितने गिरे हुए हैं, तो ये तकरीबन थोड़े बड़े हैं ये वाले, मीडियम मीडियम भी नहीं, छोटे हैं ये भी सेब है। ये देखिए गाइस, ये बड़े 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 सेब हैं, ये देखिए इधर से इधर से खूबसूरत लग रहे हैं, कितने खूबसूरत ये वाले सेब लग रहे हैं, ये बड़े हैं, क्या बात है, ऐसे जैसे मोती हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये वाले बिल्कुल, और ये वाले सेब देखिए ये कितने बड़े छोटे छोटे। और ये अभी तक जो एक जो उधर देखे हैं गीस के पास, वो थोड़े इतने इतने थे, और ये वाले बड़े हैं, ये वाले सेब, क्या बात है, माशाल्लाह। इस तरफ से मेरे पीछे देखिए नज़ारा झील का, कितना औसम है, यहाँ से रख के सारा ये देखिए कितना खूबसूरत है, माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह।
देखिए मेरे पीछे कितना खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह। और मैं हैरान मतलब सरप्राइज हो जाता हूँ कि देखिए अल्लाह ताला ने ये दुनिया इतनी खूबसूरत पहले की है कायनात। तो जब कभी कहीं पे नेगेटिविटी नज़र आती है तो फिर बड़ा अफसोस होता है कि अगर इंसान सिर्फ इस कायनात के एक ज़र्रे को देख के कि इतना खूबसूरत है उसका शुक्र अदा करने लगे खुदा का, तो वो नहीं ख़त्म होता। तो पता नहीं क्यों लोग इस चीज़ को ये भी भूल जाते हैं कि सब कुछ फानी है, सब कुछ ख़त्म हो जाना है। तो फिर जो नेगेटिविटी है वो हेट वो नहीं होनी चाहिए, हर मोहब्बत होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, रिस्पेक्ट इज्जत होनी चाहिए। ये देखिए कितना खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह। तो बंदा कहता है कि यहाँ पे बैठ के बस देखते रहो इसको, कितना खूबसूरत है। तो चलते हैं आगे। ये देखिए कितने प्यारे दरख्त हैं, ये देखिए। माशाल्लाह और ये ट्रैक्स बने हुए हैं सैर के लिए। ये देखिए यहाँ पे पानी में सूरज का साया, कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। ये पता नहीं क्या है, ये जैसे करेला नहीं होता वैसे वैसे ही को फूल है वैसे मेरे ख्याल से। इसको खोल के चेक करते हैं। ये अंदर से पता नहीं क्या है। ओह माशाल्लाह, और जैसे जैसे माचिस नहीं होती, माचिस की वो कह लें तीले माचिस के, ये देखिए क्या हुआ तेरी। तो चलते हैं आगे। ये सामने देखिए ये बतखें, बतख, डक, और जो पीछे हैं वो गीज हैं। ये जो गीज हैं ये जब सीजन आता है सर्दियों का तो ये फिर यहाँ से हिजरत करके कहीं गर्म मुल्क की तरफ, गर्म इलाके की तरफ चले जाते हैं। तो फिर जब ये गर्मी यहाँ पे आती है फिर ये यहाँ पे आ जाते हैं। और
ये जब सड़क से गुजर रहे हो तो गाड़ियाँ ब्रेक मार लेती हैं, ये पहले गुजरेंगे फिर गाड़ी चलेगी, इतनी रिस्पेक्ट है। कितना खूबसूरत ब्रिज है ये देखिए, आई थिंक यहाँ पे ये देखिए पार्क है मेरे पीछे, और पीछे बच्चों के लिए झूले बने हुए हैं। ये मतलब एक तरफ झील है, झील वो ब्रिज पार्क है, अगली साइड पे ये पार्क है। ये देखिए खेलने के लिए ग्राउंड भी है, और इसके अलावा बच्चों के लिए झूले बने हुए हैं। और इस तरफ देखते हैं फिर अपील है, वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या सीन है। वहाँ पे बच्चे जो है वो झूले ले रहे हैं और पेरेंट्स पास बैठे हुए हैं। ये देखिए गाइस, फुल ग्रीनरी, लश ग्रीन, इतने खूबसूरत दरख्त हैं ये, और नीचे घास। तो ये गाइस वो वाले ट्रीज देखिए, वो रेड वाले पत्ते रेड हो रहे हैं, वो वाले देखने वाले होते हैं इंशाल्लाह ताला। अब ये स्टार्ट हो गए हैं, इस तरह का कलर चेंज होना शुरू हो गया, तो ये हर दिन चेंज होता जाएगा और कुछ दिनों तक ये इतना खूबसूरत हो जाना है। मैं इंशाल्लाह इससे पूरी वीडियो बनाऊँगा। अब वो देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल,
ये देखिए एक और पुल है ब्रिज, तो यहाँ से अप हिल है, और आगे जाके देखते हैं ये किस तरफ लेके जाता है ये रास्ता। और यहाँ पे यहाँ की खूबसूरती ये है कि ये अप पे अंदर लोग वैसे अंदर ही अंदर, ये देखिए दरख्त ही दरख्त हैं, ट्रेल्स बनी हैं, लोग सैर कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, तो ये है कि टोटली पीसफुल है, किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल अमन शांति के साथ। इस तरह रास्ते निकल रहे हैं, सामने भी रास्ता है, इस तरफ भी रास्ता है, हाथ तरफ भी कर रहे हैं। और यहाँ से कट है, मतलब इस ट्रेल में एंटर होने के लिए ये रास्ता दिया गया, आगे ये रास्ता खत्म हो जाता है, तो हम अपना रास्ता लेते हैं, चलते हैं वापस। ये गाइस देखिए, ये इस पार्क में मैंने देखा है मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ किस्म के वर्जिश के लिए लगी है, साइकिलिंग के लिए। ये देखिए ऐसे और भी हैं मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ किस्म के लगे हुए हैं वर्जिश के लिए पार्क में, ये मतलब ये चीज़ें दी गई हैं। जैसा जैसा कि आपने देखा पीछे वो साइकिलिंग के लिए बना हुआ है उधर, ये भी एक्सरसाइज के लिए। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे इस पार्क में मुख्तलिफ मतलब मशीनें इस तरह नस्ब की गई हैं एक्सरसाइज के लिए, जिन्होंने एक्सरसाइज करना चाहते हैं वो कर भी सकते हैं, जो कैजुअल होती है। पानी टाइम, वाटर टाइम, पानी पी लिया, तो शाम हो गया, वैसे भी अब निकलते हैं, तकरीबन सारा सारा विजिट कर लिया, तो आस्ता आस्ता निकलते हैं।
यहाँ से इस झील का नज़ारा करना, मतलब मैं कहता हूँ कि ये मज़ा ही कुछ और है। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ से नज़र आता है, बहुत आला, बहुत एक्सीलेंट। मतलब ये देखिए, क्या बात है, क्या मंजर है। तो गाइज ये था आज का हमारा व्लॉग। तो आज के दिन बहुत ही एंटरटेन किया है, बहुत मज़ा किया, सैर हो गई है, तो वैसे विजिट भी हो गया। तो जाते जाते बस यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।